ये मोदी मैजिक नहीं तो और क्या है, पूरी दुनिया अभिभूत नजर आ रही है। खैर, आपको हम दिखाते हैं उन जगहों की तस्वीरें जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के नहीं पहुंचने पर। नेपाल में दौरा है उनका, सार्क सम्मेलन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन लुम्बिनी आप देख सकते हैं, उनका दौरा था जनकपुर में, उनका दौरा था जहां पर वो अब नहीं जा रहे हैं। और किस तरह से लोग नाराज हैं वहां पर और विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने इसका जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल के दौरे के दौरान जनकपुर नहीं आना हो सकता है, जैसे ही ये खबर इस इलाके में आई है वैसे ही यहाँ हलचल मच गई है। लोग निराश हो गए हैं, जगह जगह बंधनवार और तोरण द्वार बनाए गए हैं भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत में। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कुछ NRM लोगों से, नॉन रेजिडेंट नेपाली। ये बताएंगे कि आप यहाँ सीताशरण होटल आपने यहाँ पर खोला और आप सिर्फ किसलिए आप यहाँ पर रशिया में रहते हैं और रशिया से यहाँ पर 2 दिन पहले आने का मकसद आपका क्या? अब उनका सारा बुकिंग था पूरे होटल 5 दिन के लिए और इसलिए मैं आया कि वो आ रहे हैं और उनके स्वागत में जो होगी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी नहीं आ सकते हैं यहाँ, तो इस पर आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? यहाँ तो अब हम लोग में और पूरे सब लोग में असंतोष हैं, निराश हैं, सब चाहते हैं कि वो आए और एक बार जनकपुर को देखें, माता जानकी की दर्शन करें, उसमें सबकी हर्षोल्लास होगी। इतने सारे नेता लोग आते हैं, इतनी हलचल नहीं मचती? नरेंद्र मोदी के नहीं आने पर इतनी हलचल मच रही है, लोगों के आने पर इतनी हलचल नहीं मचती? सर वो आते तो यहाँ लोगों को जो है ना बहुत खुशी होती और हम लोग उनके लिए जो है एक हफ्ता पहले से तैयारी में है और यहाँ के लोग जो है नरेंद्र मोदी आते और यहाँ उनके ऊपर बहुत उम्मीद है, बहुत बड़ी उम्मीद रखे हुए हैं, बहुत खुशी थी, बहुत तैयारी थी यहाँ, तो अब वो नहीं आ रहे हैं तो उनको ये जो जनता है वो बहुत निराश है, यहाँ बहुत नाराज भी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ मिथिलेश कुमार ठाकुर। भारत के तो प्रधानमंत्री हैं तो भारत को उम्मीदें हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री तो मैंने, फिर नेपाल को क्या उम्मीदें हैं उनसे? नेपाल किस परिप्रेक्ष्य में आप पूछ रहे हैं? उनको प्रधानमंत्री नहीं आ रहे नरेंद्र मोदी यहाँ, उस पर निराशा है, तो क्या उम्मीदें हैं जिन पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है? अब ये देखिए, अगर डिप्लोमेटिकली बने कहें तो बायलेटरल रिलेशंस पर प्रभाव पड़ेगा मेरे हिसाब से। डिप्लोमेटिक रिलेशन है, इस पर फार रीचिंग इसका इम्प्लीकेशंस होगा। और जहाँ तक स्थानीय जनता का है तो हमारी अपेक्षा बहुत सारी थी यहाँ से, एक बच्चे बच्चे में देखें सब में रोष व्याप्त है, तो कुल मिला जुला कर कहा जाए तो हम लोग सारे असंतुष्ट हैं, रोष है और देश में की राजनीति पर भी इसका दुर्गामी प्रभाव पड़ेगा। मोदी जी अगर नहीं आते हैं तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस और तमाम रिलेशंस पे असर पड़ेगा, आते हैं तो क्या असर पड़ेगा? आते हैं तो संबंध प्रगाढ़ होगा, यहाँ की जनता की आशा आकांक्षा है उसके अनुरूप भी उन लोगों में जो खुशी होगी और जो सदियों से एक था यहाँ पर बर्फ जमा हुआ उसमें थोड़ा सा वार्म अप होता है। यानी यहाँ के नेपाल के गृह सचिव से जब हमारी बात हुई अभी थोड़ी देर पहले तो उनका यही कहना है कि कोशिशें की जा रही हैं कि अगर जानकी मंदिर परिसर में उनके आने पर सुरक्षा को लेकर अगर सवाल उठ सकते हैं तो 12 बीघा का बड़ा मैदान है जो रंग भूमि है, वहाँ नरेंद्र मोदी जी को लाया जाए और वहाँ लाकर नरेंद्र मोदी की वहाँ सभा कराई जाए ताकि दोनों पक्ष संतुष्ट हो सके, प्रधानमंत्री भी अपनी बात नेपाल के लोगों से कर सके और नेपाल के लोगों को इस बात की संतुष्टि हो कि हाँ नरेंद्र मोदी जनकपुर भी आए। कैमरामैन साजिद आलम के साथ संजय शर्मा, जनकपुर धाम, नेपाल, आज तक।